आ जा, चलो आ जा। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से जो है मेरे कबूतर के बच्चे आ गए दो, बल्कि 4-5 हो गए हैं। और जो ये इसमें जो एक पेयर रखा हुआ था, तो उसकी मैंने कल जो है अंडे की कैंडलिंग की थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से हो रहा था, सब कपड़े वपड़े उतार के अंदर जाने पड़ा था, तो उसकी मैंने कैंडलिंग की थी। तो माशाल्लाह तो उसमें भी जो है वो अंडे में बच्चे थे, दोनों अंडे में मतलब बच्चे थे। और मैंने पिछली वीडियो में अपने कहा था कि मैंने कुछ सारे कबूतरों के जो है पर हैं मतलब सब उड़ जाते हैं, तो ये वाला जो है ये वाला एक, और एक कबूतर और है शायद इसमें का ही है ब्लैक टाइप में, उन दोनों का पर जो है मैंने 2-3 हफ्ते पहले बांधा था और मेरे को याद नहीं था, मैं सोचा ये बिल्ली आएगी तोड़ जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि इसका तो पर ही मैंने फिर से बांध रखा है, तो आज इनका ही पर खोल देंगे, क्योंकि कभी बिल्ली आ सकती है कुछ पता नहीं चलता है, और कभी एक बार तो बाज ने भी अटैक किया था, तो उससे ही बचने का अच्छा रहेगा। और जो आज जो है ये अपने चूज़ों को ही बाहर निकालेंगे, और जो इसमें मैंने बोला था कि लवबर्ड का पेयर दो पेयर जो है अलग करना है, तो उसमें से मैं आज ही एक ही पेयर अलग करूँगा, क्योंकि एक पेयर का जो है वो उसके अभी भी बच्चे जो है ना वो मटकी के अंदर जाते हैं, और उसके जो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को फीड करा रहे, तो अगर मैं उनको अलग कर दूँगा तो फिर वो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं उसके अलग करूँगा एक पेयर को। और उसने जो 2 या 3 अंडे दिए हुए हैं, तो उन अंडे को जो मैं फोर्सर कर दूँगा, इसमें तो नहीं डालूंगा, रिंग वाले में तो मैं नहीं डालने वाला, कि पिछली बार मैं जो उसमें 5 अंडे डाले थे, और 5 में से उसने 4 में बच्चा निकाला था उसने, और चारों के चारों बच्चे थोड़े बड़े हुए, और फिर उसने शायद फीड नहीं कराया क्या हो पता नहीं, 4 बच्चे जो एक्सपायर हो गए। आ जा बाहर, आ जा तुम भी, आ जाओ सर जल्दी बाहर, बंद कर देंगे जब बाहर आ जाएंगे, इसको बंद कर दें, जाओ जाओ खेलो जाओ। अभी जो मैंने बताया ना कि 2 कबूतरों का पर बंधा हुआ था, तो एक तो मेरे को मालूम है कि वो वाला था, और दूसरे को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कौन सा है, और मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने मुखी का पर बांध के रखा है, वो जो फैंसी वाला बच्चा उसका पर बंधा हुआ है। तो अभी दोनों को पकड़ते हैं और दोनों को खोलते हैं, और दोनों को एक एक पर मैंने बांध दिया था ताकि उड़ नहीं पाए, क्योंकि वो उड़ो के जैसे दोपहर में मैं कभी खोलता तो उड़ के जो परेशान करते तो जल्दी अंदर नहीं जाते थे वो, क्योंकि वो भी सिंगल है, बाकी तो पेयर वाले थे वो अंदर चले जाते थे। तो अब इन लोगों पर आज खोल देंगे, और मैं बैठा ही हुआ हूँ शाम के टाइम परेशान नहीं करते, अंदर चले जाते हैं। अभी उस दिन टाइम तो कुछ दिन पहले तो कबूतर जब उड़ रहे थे तो मुर्गियाँ परेशान हुई थी, लेकिन अभी जो है ये दोनों मुर्गियाँ जो हैं वो कबूतरों को परेशान करती हैं, और देखे चूजे को भी काट रही, तो अभी मुझे जाके इसको बचाना पड़ेगा वरना वो काट लेगी। चूजे को थोड़ी देर बाद मैं अंदर ही वापस से बंद कर दूँगा, चूजों को मैंने अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मुर्गियाँ जो वो काट रही थी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उनको चोट लग जाएगी, तो फिर हो सकता है कि मर भी सकते हैं। बाकी जो मेरे को लवबर्ड का एक पेयर अलग करना है अभी, वो अभी नहीं करेंगे, वो रात में करेंगे जब पूरा अंधेरा हो जाता है, ताकि मैंने पहले भी बताया था कि उसमें कंफर्म हो जाता है उसी का पेयर मैं पकड़ रहा हूँ, कि जो मटकी के अंदर बैठे रहते हैं ना, और अभी ऐसे पकड़ेंगे तो हो सकता है मेल किसी और को फीमेल किसी और को पकड़ लें, इस वजह से थोड़ा अंधेरा हो जाता है। मैं आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ किसमें निकल गए और कितने निकले। एक तो इसको आपने देखा ही होगा कि अला पिछली वीडियो मैंने दिखाया था, बल्कि ये इस मतलब पाला इसने, लेकिन बच्चा जो है अंडा जो इस वाले का पेयर का था, और इसको भी आपने देखा जो एक बच्चा वो निकला हुआ है। बाकी इसमें माशाल्लाह से 2 निकला है और एक अंडा बाकी है, तो मैंने एक अंडा जो फोस्टर किया था तो वो बच्चा अंडा बाकी है, तो उसको मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर देखूँगा इसमें अगर वो क्रैक नहीं हो रहा तो उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँगा। बाकी इसमें भी एक बच्चा निकल के आया हुआ है, और इसमें भी 2 बच्चे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं वो सही है ना, एक्सपायर वगैरह तो नहीं हुए। इस पेयर ने जो है फिर से अंडा दे दिया है, तो अगर मैं देखूंगा कि इसका मेल जो है वो इंक्यूबेट कर पा रहा होगा, क्योंकि इसका मेल वही है जिसको चोट लग गई थी मेरी वजह से, तो अगर इंक्यूबेट कर पा रहा रहेगा तो अंडा इसी में छोड़ देंगे, वरना फिर इसका अंडा जो है फिर से कहीं और फोस्टर कर देंगे। तो इसका देखिए शील काटा लेते हैं, काट रही है, एक छिलका और हो गई, ये पड़ा है। ये बच्चे अभी सुबह तक इसके अंदर नहीं थे, अभी तकरीबन दोपहर के 2 बजे इसमें निकले होंगे, क्योंकि सुबह में आया था जब इनको खाना पानी देने तब भी नहीं थे, और दोपहर में भी आया था तब भी नहीं थे, उसके बाद निकले फिर ये। तो ये है 2 माशाल्लाह से, अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहे हैं दोनों, और एक अंडा है तो इसको मैं अभी बाद में चेक करूँगा। इसमें है 2 बच्चे, देख लेते हैं बच्चे ठीक है ना। आ जाओ, ये नहीं काट रही है इसके, ही माशाल्लाह बच्चे ठीक है। इसके बच्चे कल निकल करके आए थे, दोनों जो है वो कल निकले थे सुबह। ये जो है इस फीमेल का है, वो फीमेल भी यहीं बैठती, मैंने इसको हटाया है, तो इसमें एक ही बच्चा आया है और एक अंडा जो है वो ख़राब हो गया है, और ये बच्चा 2-3 दिन पहले का है, मतलब अभी भी पहले निकला फीमेल चली गई इसमें। अभी मैं इसका भी अंडा चेक करूँगा, और एक अंडा जो ऊपर बचा है तो उसको भी चेक करूँगा, तो अगर उसमें से क्रैक नहीं हो रहा ऊपर वाले में तो उस अंडे को मैं उठा करके इसमें डाल दूँगा, इंशाल्लाह ये इंक्यूबेटर के बच्चे निकाल ले पाल लेगी।
इसमें जो फीमेल बैठी रहती है वो, तो वो इस बच्चे को इतना नहीं काटती जितना इसका जो मेल जो है वो बहुत ज़्यादा काटता है, उसको भगाता है। लेकिन फीमेल के एकदम करीब बैठा हुआ है, थोड़ा सा बस गैपिंग होगी फीमेल और उस बच्चे के बीच में, और इतने देर में कोई और फीमेल होती तो उस बच्चे को कई मरतबा काटती थी होती। ये फीमेल बच्चे को परेशान नहीं करती, बच्चा भी जाता है अपने कोने में जाकर के उसके पास बैठ जाता है। लेकिन जो इसका मेल जो है ना, जब भी वो उसके पास जाता है या खाना खाने आता है और मेल उसके बगल में आ जाता है तो मेल उसको काटने लग जाता है। फिर दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई थी, तो अगर मैं बैठा रहा तो हटा दिया, वरना फिर बच्चे को पिटना पड़ जाता है। और जब जो रात में कॉलोनी में जाएंगे अपने लवबर्ड का जो एक पेयर पकड़ना तो पकड़ने जाएंगे, तो बाकी जो तीन चार पेयर है ना तो उनकी प्रोग्रेस भी दिखा देंगे माशाल्लाह से। मैंने अभी दो हफ्ते पहले एक पेयर अलग किया था तो उसने माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं, शायद दो दिए थे, अभी मैं दो दिन से तीन दिन से मैं देख नहीं रहा उसको, तो अभी मैं आपको मैं भी देख लूँगा और आपको भी दिखा दूँगा कि अंडे बढ़े हैं कि उतने ही हैं। और जो नीचे के जिसमें बच्चे थे उसमें मैं आपको दिखा दूँगा कि एक में तो बच्चा जो एक्सपायर हो गया था। मैंने इनकी अंडों की जो चेक करना था वो मैंने चेक कर लिया है। दो अंडा जो ये पीछे वाले हैं वो इसका अंडा है, और एक अंडा जो ये आगे वाला है ये जो इसका है। तो इसमें तो जो बच्चा बना ही नहीं है इन दोनों में, और इसमें जो बच्चा बना था लेकिन अंदर वो एक्सपायर हो गया, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और ये दो जो अंडे हैं वो मेरे इसमें के नहीं है, वो मैं कहीं और से लेकर के आया था, और मैंने जो इसमें फोस्टर किया था क्योंकि ये फीमेल ने अंडा दिया और उसका फिर अंडा ख़राब हो गया, तो मैं उसको इसमें डाल देते हैं, लेकिन इसमें तो बच्चा जो है वो बना ही नहीं था अंडे में, तो ये तो बेकार हो गया। और एक अंडा जो मैंने इसका बताया अभी, तो उसको मैंने चेक किया तो उसमें भी जो है दो तीन दिन रहता है अभी अंडे को, मतलब हैच होने में, तो वो अंडा उठा करके मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अभी जो है ये खाली और ये अच्छे से इसको इंक्यूबेट कर लेगी। और ये जो है वो अंडे को इंक्यूबेट करने के चक्कर में हो सकता है कि बच्चों को ना कर पाए, और बच्चों को करने के चक्कर में हो सकता है कि अंडे को इंक्यूबेट ना कर पाए। और मुझे ये लग रहा था कि ये जो मैंने अंडा इसमें डाला है जो कि इसमें फ़ीमेल ने दिया था, तो वो मुझे लग रहा हो सकता है सेंटिनेंट वाला अंडा, क्योंकि वो बाकी अंडे से मैंने इसको जब मैच किया ना तो वो छोटा भी दिख रहा था, मुझे लगा तो हो सकता है सेंटिनेंट का हो, बच्चा निकलेगा तभी पता चलेगा अपने। तो ये रखे हैं जो खाली वाले थे, और एक अंडा ये है जो जिसमें बच्चा बना था लेकिन एक्सपायर हो गया, मैंने आपको बताया। इसका एक्सपायर होने की वजह जो है ये है कि इससे पहले जो मैंने बताया था कि इसमें अंडे में थोड़ा सा छेद हो गया था ना, इसमें हो गया था, और एक पेयर जो नीचे वाला बैठा है ये वाइट के नीचे वाला जिसमें दो बच्चे मैंने भी आपको दिखाए, तो उसके भी अंडे में हो गया था, लेकिन उसमें से माशाल्लाह बच्चा निकल गया और इसमें से जो बच्चा नहीं निकल पाया क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि हवा बाहर वाली चली गई और जो मतलब बच्चे को बनने की जो प्रोसेस होती है वो ख़राब हो गई, क्योंकि आधा बच्चा तो उसमें बन ही गया था। और अभी मैंने सोचा कि हो सकता है फिर निकाला है दो तीन दिन देर से निकले, लेकिन अभी जब मैंने उसको चेक किया तो उसके अंदर जो है वो बच्चा सूख चुका है, वो मतलब पूरी तरीके से वो एक्सपायर तो उसी दिन हो गया था जब उसका अंडा हल्का सा फूटा था। परेशान करता है, और वो मुखिया वाला बच्चा जो चोंच मार रहा है अभी उसको वाइट वाले को, तो परेशान करता था, अगर दोपहर में खोलेंगे तो फिर वो जो है अंदर नहीं जाता था, लेकिन शाम के टाइम में जितना खाए पिया और दोनों जो है अंदर चले गए। शाम के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तकरीबन 4:30-5 बजे खोलता हूँ उन लोग को, तो अगर इस हिसाब से अंडा खाते पीते टहलते हैं और फिर सबसे अंदर चले जाते, लेकिन दोपहर में बोलो तो कभी इधर जाके बैठ जाएंगे ऊपर छत पे, फिर कभी इधर डंडी बैठ जाते हैं, और कभी होता है कि उड़ने लग जाते हैं इधर दूर दूर जाके बैठ जाते हैं, तो उसमें फिर घबराहट होती कहीं चला जाएगा तो कोई पकड़ लेता है, और जो पकड़ लेते हैं वो जानते हैं लोग कबूतर वाले सब जल्दी देते नहीं है, तो इस वजह से मैं उनको दोपहर में नहीं खोलना पसंद करता हूँ। और अभी जो थोड़े पहले मैंने ये ब्राउन वाली मुर्गी की मेटिंग होते हुए देखा है, तो अब उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर जो है वो अंडा देना जो है स्टार्ट कर देगी, और ब्लैक वाली को होता था कि अभी तो कुछ टाइम और लग जाए, मेरे को तो दोनों बच्चे लग रहे थे, मतलब देने वाले ने मुझे कहा था कि एक हफ्ते में अंडा दे देगी, और फिर जब मैं लेकर के आया तो इनकी जो इनकी हरकतें कूदना फाना जैसे नॉर्मल मुर्गियों में ऐसे कभी करते हुए देखा नहीं मैंने, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि बच्चे उनको एक दो महीना रहता होगा अंडे देने में, लेकिन अभी जो है मैंने मीटिंग देखी तो मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते से हो सकता है इंशाल्लाह ये अंडा देना स्टार्ट कर दे। जो पानी जो काला वाला सब दिख रहा है ना, तो इसमें जो ये जो साइड में काई जम जाती है तो उसके वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन मैं जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उसके बाद अगले हफ्ते मैं फिर से इसका पूरा पानी जो मैंने यहाँ से पिछली बार ड्रेन किया था मैं इसको ड्रेन करूँगा पानी को, और फिर मैं ऊपर से दूसरा पानी डालूंगा, लेकिन इस बार पिछली बार मैंने बाल्टी डाला तो प्रेशर वाली सारी मिट्टी जो है वो उड़ गई थी तो सारा पानी और ख़राब हो गया था, इधर मैं पाइप लगा के डालूंगा साइड से पानी धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो इंशाल्लाह इधर जो है वो मिट्टी नहीं उठेगा और पानी गंदा वापस से नहीं होगा, और जो साइड का है वो उसका मैं कुछ जो पिछली बार मैंने साफ़ किया था रगड़ के उस तरह से कुछ साफ़ कर लूँगा उसको भी, तो फिर पानी जो साफ साफ दिखाई देगा और मशीनरी का भी जो है दिखाई देगी मेरे को। पैक हो चुका है अपना, बस इनका थोड़ा सा इतना देर को मैं छोड़ देता हूँ ताकि हवा आने जाने के लिए, और इनकी जो है वो पीछे से इधर साइड में जगह है थोड़ी सी तो वहाँ से हवा आती जाती है, तो अभी ये थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा तब मैं उस पेयर को पकड़ने के लिए आऊँगा, तो आप थोड़ी बात मिलते हैं। सो मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ और जो पेयर जो है वो अपने अंदर चले जा चुके हैं, एक पेयर ये बचा हुआ है तो इस वाले को अभी पकड़ेंगे, और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना, और कुछ बच्चे जो हैं उधर पीछे बैठे हुए हैं। किन्नर चला गया, ये फीमेल है और उधर बैठा हुआ मटकी की उस तरफ, तो दिखा देते हैं वो भी एक बार। ये जो है वो मेल बैठा हुआ है इधर,
और ये फीमेल है और ये जो येलो वाला है वो मेल है। बाकी अभी सबके बच्चे भी चेक कर लेते हैं। ये जो इससे पहले मैंने एक पेड़ अलग किया था ना, तो ये देखिए माशाल्लाह से उसने अंडे दे दिए हैं, और अभी जो मैंने पेड़ अलग किया है तो उसके अंडे भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगा। इसने जो 3 अंडे दिए थे तो 3 में से तो एक अंडा ही ख़राब हो गया था, और एक बच्चा निकला था तो वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया, और एक अंडे में बच्चा भरा था तो वो अंडे के अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो ये पूरा फिर से खाली हो चुकी है। अगर इसमें एक अंडा पड़ा होता तो मैं ये सारे अंडे इसी में डाल देता, लेकिन अभी मैं डालूंगा तो फिर जो है ये इसको इंक्यूबेट नहीं करेगी, हो सकता है कि मटकी से बाहर गिरा दे, फोड़ दे या छोड़ दे, जो भी करे। बाकी इसका देखिए एक बच्चा ही था जो इधर जो है वो एक्सपायर पड़ा हुआ है। ये देखिए जो ये बच्चा पड़ा है ये एक्सपायर हो गया है। बाकी एक बच्चा ये है और एक बच्चा इन लोग के नीचे है, वो अभी इसको इंक्यूबेट करे, इस वाले से थोड़ा छोटा है वो, तो 2 बच्चे हैं इसके अंदर अभी, और हो सकता है एक और हो, अभी मैंने बहुत दिन से देखा भी नहीं है इसको। इसके मैं 4 अंडे में से मैं 3 अंडा जो है वो उसमें फोस्टर करूँगा। इसमें तो बच्चा माशाल्लाह से बन रहा है, और ये दोनों अभी नया है, और जो एक अंडा ये वाला है तो ये देखिए इसमें फूट चुका है, अगर आपको सही से इसमें दिख रहा हो तो इधर ही है साइड में, ये देखिए फूट चुका है अंडा वो, तो ये इसमें बच्चा बनेगा ही नहीं, वो ख़राब हो, 2 जगह से फूट गया है, हो सकता है इनके निकलने और घुसने में फूट चुका हो। तो ये अंडे मैं अभी डाल दे रहा हूँ और उसको मैं फेंक दूँगा, और इसमें जो है वो स्टिक लगाना अभी बाकी है, जो कि मैं सुबह लगा दूँगा इंशाल्लाह। बाकी इसका तो पेयर दिखता ही नहीं है, मतलब बच्चे जो इसके दिखते नहीं, जो इसने आगे से भी पूरा अच्छे से उसको कवर करके रखा हुआ है, तो मैं कितना भी कोशिश करता हूँ मुझे दिखता ही नहीं है। तो ये थी आज की न्यू वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।